एगो ई भगे दोसर मैं जो कि क्यों हाथ से पीछा से पकड़ लत ठीक आई माइक रखो आगे पीछा से पकड़ हमरा ठीक अरे हमरा माइक तरफ ना पीछे से पकड़ लेंगे अब हम केना छोड़बे अपना आपके गलत तरीका छे एना ना छोड़बे त तैयो हम जोर से पकड़ू ना आगे की तरह छे हमरा हल्का से हम जोर से पकड़ू नहीं तो दीपाली आओ पकड़ू इसके बारे में बताएं कि कब से ये शुरुआत हुआ था आज कितनी महिलाएं इनसे जुड़ी जुड़ी हुई हैं खासकर ये छोड़ा कार्यक्रम जो था ऐसे की महिला जो स्टार्ट किया गया है उसकी संस्थापिका जो आरती झा है उन्होंने मात्र 300 महिलाओं से शुरू किया जो कि आज 25,000 महिलाएं आज से जुड़ चुकी हैं और ये सिर्फ मतलब आज तो हमारा झोरा कार्यक्रम था मैं बता रही हूँ लेकिन इसमें जो है बहुत तरह के मिथिला मैथिली के लिए काम करते हैं अक्षर के लिए काटते हैं फिर आज दहेज मुक्त पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने पेड़ भी बहुत सारे लगाए हैं दहेज मुक्त कैसे मिथिला है उसके लिए और कैसे जनगणना में अपना नाम मैथिली में उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम उसके लिए आज जो है झोरा अभियान जो हमने मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया मैंने समूह के सामने रखा और मेरे संग सुनना रहे हैं सौम्या झा जिनको जिसका समूह का बहुत बड़ा सपोर्ट आरती झा दीदी ने समूह में स्वतंत्रता है उन्होंने कहा कि आप आइए और उसने स्टार्ट किया है झोरा अभियान जो कि 2 अक्टूबर से स्टार्ट है 2 अक्टूबर से स्टार्ट करके अभी तक लगभग लगभग 27,000 झोरा बिक्री किया है साथ में लोगों को गिफ्ट किया है ताकि जागरूकता बढ़े ये है झोरा अभियान कहता है कि प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते उसको विदाई करने के लिए जो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है इसमें क्या है मेनली ये 3 चीज है झोरा अभियान सिंगल यूज प्लास्टिक जिससे हम डायरेक्ट सफाई अभियान से जुड़ जाते हैं दूसरा है कि इसमें मिथिला चित्रकला किया क्योंकि मैं मिलानी है मिथिला चित्रकला के संरक्षण के उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको व्यवसाय से जोड़ने के लिए जब तक व्यवसाय से जोड़ेंगे नहीं वो अपना एक निरस्ता आने लगता है उसको उसके संरक्षण के लिए ताकि लोगों में एक कैरियर ऑप्शन में बन सके नए नए स्टूडेंट को जोड़ रहे हैं हम हमारे ये प्लान है और लोगों को जोड़े और मिथिला चित्रकला पूरा फैले हर घर जाए हर घर में मिथिला चित्रकला हो और स्वरोजगार बढ़े मिथिला के हर घर को स्वरोजगार मिले और हम बाहर या अपने मिथिला में अच्छा कर सकते हैं झोरा खासकर ये बात करिए अगर तो क्या मैथिली भाषा में आप लोग बात करते हैं हम लोग मैथिली भाषा में ही इसका कार्यक्रम होता है नाटक का कार्यक्रम होता है कार्यक्रम तो अपने कार्यक्रम में क्या हमारा भी है मैथिली में ही मैथिली में बाजो मैथिली में कहो मैथिली में लिखो ये हमारा प्रण है चूंकि आपका यहाँ के इंटरव्यू छा हिंदी में इसके लिए हम लोग आज मतलब मैं आपको लेकिन हमारा मुख्यतः जो भी भाषा है अपने ही भाषा को बहुत सारे आजकल के सिखा नहीं रहे बच्चों उसको दिखाने के लिए सिखाने के लिए हम लोग हमारा ये समूह बहुत ही बड़े होकर के अपने समाज में इसका काम कर रहा है मैं एक बैंकर हूँ मैं आंध्रा बैंक में काम करती हूँ मुंबई में भाईंदर मैं अपनी ये मेरा माइके है मिथिला की मैं बेटी हूँ तो मैं आई हूँ तो मैं झोरा अभियान जागरूकता अभियान स्टार्ट किया आज क्योंकि 2 अक्टूबर से हमने स्टार्ट तो किया जिसमें कि ये हमारा ये फेसबुक ग्रुप जिसमें क्षेत्रीय लेवल पे हम व्हाट्सएप ग्रुप जो अलग है तो अलग अलग शहर में जैसे कि मुंबई दिल्ली कोलकाता बेंगलोर झारखंड के रांची देवघर बुखारो हर जगह लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं खासकर मिथिला की जो महिलाएं हैं जो लड़की जो बच्चियां हैं उनके मैं बच्चियां नहीं मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ स्पेशली महिलाएं तो हैं ही महिलाएं हैं जो मैथिलानी हैं या फिर जो भी जो अपने मिथिला के रहने वाले हैं मिथिला को मैं कल ही आ रही थी बेता चौक पे देखा जो कि एशिया का सबसे बड़ा जो मार्केट है दवाइयों का लेकिन वहाँ बीमार होने का सबसे बड़ा चांस मैंने देखा वहाँ प्लास्टिक रोड पे एकदम बड़ा सा सर्कल बना हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा जो कि हवा में फैलता है सांस के थ्रू लोगों के अंदर जाता है पानी में जाता है पानी के थ्रू लोगों के अंदर जाता है कैंसर जैसे और बड़े बड़े जिसको आदमी बचा नहीं सकता नहीं जीव नहीं आदमी बचाने का उसके अंदर नहीं है वो बीमारी के रूप में आगे बढ़ता है तो वो जो है उसको
वो कचरा जो फैला हुआ था वो मिथिला को क्लीन करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक को आज से ही बंद करें। मैं जन जन को बोलूंगी, हर आदमी आज से अभी से संकल्प लीजिए और इसको खत्म करो। मेरा नाम नेहा पुष्प है और झोड़ा अपनाइए। झोड़ा का हम लोग दे रहे हैं मिथिला पेंटिंग किया हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखी बात है। तो प्लास्टिक छोड़िए, झोड़ा अपनाइए और मिथिला को सुख और समृद्ध और इसको क्या बोलते हैं स्वस्थ। धन्यवाद। कुन जप रखतो सब दिन पूजा पाठ करै छी किया न आँखि तकै छी किया न आँखि तकै छी निस दिन अच्छा मुठिया छत चंदन गंगा जल चढ़बै छी। हम छी झोड़ा देखात नहीं रही हम रमनगर, नहीं छलहु रंगदार सुंदर, नहीं छल कोनो लटकन झटकन हमरा में लागल, परंच अहाँ घरक अलमीरा आ खुट्टी में हम रहै छलहु टांगल। सुनैत जाओ कनी, हम छी झोड़ा अहाँ सब भैलहु पैघ किशोर, क्यों नहीं पारलहु हमरा सोर, आयल परदेसी प्लास्टिक पन्नी संग हमर छूटल गेल हमर सब संगी, कैलक पन्नी सबहक मोन पर राज, हेरा गेलहु हम नहीं चल हमर कोनो काज। सुनैत जाओ कहीं हम छी झोड़ा निर्जल बंद रहलहु घरक पेटी बक्सा में, तो रख ले तू हमरा अपनी खर खराहट में, सुनैत जाओ कनी हम छी झोड़ा भेल दोसर जन्म हम बहिन पा आंगन हमर, आदर लाठी हमरा आदर मान सो कैलथ श्रृंगार मिथिला छो, स्नेह दलथ सब मैथिलानी अपन धिया पुता सन, सम्मान दलत घरक आदरणीय सन। सुनैत जाओ हम छी झोड़ा आब बाजार में जाय छी सम्मान सँ, प्लास्टिक के विदा कैलथ सब अपन घर आंगन सँ, घर घर सुंदर चित्रकला मिथिला के सम्मान भेटल, पावन तिहार सभ्यता के ठाम ठाम जागरूकता बढ़ल। सुनैत जाओ कनी हम छी झोड़ा जहिना बढ़ल हमरा पर विश्वास, सखी बहिन पागे बहिन परदेशों में मोल, सखी सब संबल आत्मनिर्भर बन राखब सखी बहिन पा मैथिलानी समूह पर विश्वास, एक कहुटा शब्द हमर नहीं अछि कोरा। सुनैत जाओ कनी हम छी झोड़ा, सुनैत जाओ कनी हम छी झोड़ा, सुनैत जाओ कनी हम छी झोड़ा। झोड़ा खपड़ी सँ स्वागत करियौ, धन्यवाद करियौ, अहाँ सब मनोबल बढ़बियौ ताकि ई सब उम्र के एहि पड़ाव में सुंदर नाटक कऽ सकै। आब हम अपना दर्शक दीर्घा मे एकटा उपस्थित सदस्य छथि दर्शक दीर्घा मे, न ओ सखी बहिनपा छथि न ओ सखा छथि, लेकिन तैयो ओ आइ प्रसन्न महसूस कऽ रहल। सुषमा स्थान जी अपने खुशी मनबैत आयल कहि के हम धन्यवाद दै छी। बहुत बढ़िया मूव छै, छोट छोट बच्चा सबके क्लास में पढ़ायल जाइ छै, अगर अहाँ बच्चा सबके पढ़ाबै था तैयो ई सब चीज देखै देबै जे प्लास्टिक के यूज नहि करे के चाही। एहिमे झोड़ा मिथिला पेंटिंग एकदम सोना पे सुहागा भऽ गेलै, तऽ हमरा लागैया एहि मिशन के एकदम कंटिन्यू करबाक चाही,
और घर घर में ई झोरा पहुँचे और के अलावा खेनाई पिनाई के सेहो स्टॉल छे सेहो बहुत नीक लगले। क्या नाम? आशा करी छी। हमर नाम डॉक्टर सविता मिश्र।